हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और काफ़ी टाइम के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज के व्लॉग में आपको बंटी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बंटी अभी ऑफिस चली गई हैं। उनका ऑफिस जल्दी है और मेरा थोड़ा लेट है, बट मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, लंच बॉक्स भी रेडी कर लिया है। तो काफ़ी टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लास्ट मंथ माई फादर इन लॉ पास्ड अवे, तो इस वजह से व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। बट अभी ट्राई कर रहे हैं कि व्लॉगिंग स्टार्ट करें, और ये आज हमारा पहला व्लॉग है। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना जो डेली रूटीन है ऑफिस का, वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ। और आज अमावस भी है, इसलिए मैंने पूजा की है, पहले पूजा कंप्लीट कर ली, और मेरा जो बैग है वो भी रेडी कर लिया है मैंने, और अभी मैं ऑफिस जाऊँगा। बंटी का ऑफिस जल्दी है, इसलिए वो 8 बजे ऑफिस चली गई और सुबह का ब्रेकफास्ट करके गई है। बाकी जो लंच है वो दिन में आके यहाँ पे लंच करेंगी, क्योंकि ऑफिस नज़दीक है और मैं अपना लंच लेके जाता हूँ, इसलिए मैंने अपना लंच पैक कर लिया है। तो अभी निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा डेली रूटीन है जब मैं ऑफिस जाता हूँ वो कैसा है। तो सी यू गाइस। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए, हेलमेट और हैंकी बांध के, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन से बचने के लिए हैंकी बांध लिया मैंने। तो अभी निकलते हैं, चलिए, टू व्हीलर से जाता हूँ मैं ऑफिस। और ये रास्ते में आप देख सकते हैं अभी इतना ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, और टू व्हीलर पे अब अगर ट्रैफिक हो तो भी आप आराम से निकल सकते हैं साइड से। अभी मैं रोक के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, फ़ोन पकड़ के अभी मतलब ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए खड़ा होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो व्यू है वो। आगे देख सकते हैं आप, ट्रैफिक भी है। तो अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ, सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी में हैं सब, बट हमें सेफ्टी से स्कूटी चलानी चाहिए, बाइक चलानी चाहिए। अभी पहुंचते हैं। तो फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गया था गाइस, और यहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऑफिस में ब्लॉगिंग मैं नहीं करता। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपना सिस्टम ऑन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, और 10 बज गए हैं, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि ऑफिस अभी खाली है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। और लैपटॉप ओपन करने के बाद, थोड़ी देर काम करने के बाद, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा यहाँ पर। और सैंडविच मैं घर से लाया था बना के, कॉफ़ी मैंने यहाँ से लिया है, कॉफ़ी मशीन है यहाँ पे अवेलेबल मेरे ऑफिस में। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर थोड़ा ऑफिस का काम करूँगा। ये मेरे ऑफिस का कैफेटेरिया है, सब लोग यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट अभी मैं करता हूँ, अपना लैपटॉप मैं साथ लाया हूँ ताकि थोड़ा काम भी कर लूँ ब्रेकफास्ट करते करते। तो अभी लंच टाइम हो गया था और मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया, और बीच का मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते ऑफिस में इतना, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी लंच के बाद मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगा टेरिस का। गाइस, अभी मेरा लंच हो गया है, और लंच के बाद मैं आया हूँ छत पे थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि लंच के बाद थोड़ा घूमना चाहिए। अभी तो मैं बैठा हूँ, अभी मैं घूमूंगा, स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का व्यू कैसा है यहाँ का, मेरे ऑफिस का ऊपर का व्यू। तो गाइज़, अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, और बाकी मैंने जो भी अपना वर्क स्टेशन है वो ज़्यादा नहीं दिखाया है, क्योंकि ऐसे ऑफिस नहीं दिखा सकते हैं। सो बस अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से, टाइम हो गया है ऑफिस का 6 o'clock। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, और मैं ऑलवेज स्टेयर्स यूज़ करता हूँ कभी भी ऑफिस में आने और जाने के लिए, लिफ्ट बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि स्कूटी रिजर्व लग गई थी, तो अभी पेट्रोल डाल दिया इन्होंने। ज़्यादा दूर नहीं है ऑफिस, 15-20 मिनट लगती हैं, मैक्सिमम आधा घंटा। तो अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले। फाइनली मैं पहुंच गया गाइस रूम पे, और जैसा कि आपको पता ही है, बंटी मेरे से पहले आती है, देखो लेट ही हुई है। तो कैसा फील कर रहे हो आप? फीलिंग डाउन। तो आप थका थका फील कर रहे हो? पूरे 1 वीक के बाद बंटी ऑफिस गई है, क्योंकि गले में इन्फेक्शन हो गया था, फिर दांत में भी दर्द था, अब कल जाड़ निकलवाई थी फिर मैंने, इसलिए पूरे 1 हफ्ते के बाद आप ऑफिस गए, मैंने भी बीच में लीव ली। तो आज काफी दिन बाद मैं भी ऑफिस गया, आप तो भी ऑफिस गए। तो कैसा लगा आपको? मैं तेज नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे डर लग रहा है मुझे दर्द नहीं हो जाए ना, इसलिए। कोई नहीं, तो फाइनली दोनों ही हम ऑफिस से आ गए हैं अभी कुछ। और आपके लिए मैं कुछ लाई थी ऑफिस से, क्योंकि मेरे से तो खाया नहीं जाता। क्या था? इसलिए लाके दिखाऊं? लाओ। लाडू जलेबी लेके आए हो आप, मट्ठी भी है,
एक जलेबी है तो क्योंकि जो मुझे हमारा प्लान रहता है ऑफिस से आने के बाद, कुछ मतलब भूख तो लगी रहती है, फिर हम खाते हैं कुछ चटपटा लाइक गोलगप्पे टिक्की या बर्गर, तो आज वो कैंसिल। आज हेल्दी फूड खाएंगे हम, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। हेल्दी नहीं होता। मतलब वैसे बाहर का तो नहीं खाएंगे ना, कुछ ऑयली तीखा तला हुआ दिखा आज दूंगी ये गाइस, खाएंगे। बाहर जाते हैं नहीं आज नहीं गोलगप्पे खाऊंगा, फिर खाते ये खाऊंगा हैं। ना। तो पहले हम ये खाते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आज। फिर मैंने पूजा की, मैं दोनों टाइम पूजा करता हूँ, सुबह और शाम, और सबको पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए ये मेरे डेली रूटीन में इंक्लूड रहता है। सुबह और शाम पूजा दोनों टाइम मैं करता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो हनी अकेले खाना बना रहे हैं। सब्जी तो बना चुके हैं और अभी रोटी बना रहे हैं। थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ मैं हनी की रोटी सिखवाने में, तो फिर बाद में मिलते हैं आपको डिनर टाइम पे। गाइज हमारा डिनर हो गया है, और कुछ इस तरह से मेरा पूरा दिन रहता है, वीक डे वाला, जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद स्नैक्स वगैरह कुछ खाना हो तो खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करते, 15-20 मिनट आधा घंटा, तो वो टाइम स्पेंड करने के बाद फिर घूम फिर के आके और अपना डिनर तैयार करते हैं। और अब खाना खा लिया, अब थोड़ी देर बस फ़ोन वोन देखेंगे कुछ, बस यही हमारा डेली का जो रूटीन है वो रहता है जब हम ऑफिस जाते हैं। अभी बंटी तबीयत खराब है तो गरारे कर रही है, किचन में है। तो गाइस आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बोल नहीं सकते इसलिए आप बंटी का इशारा समझ जाओ क्या कहना चाहती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। लव यू ऑल, बाय। गुड नाइट।